YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप एक CSE वाली हैं और आप बिहार से हैं तो आप बड़े ही आसानी से CSE ID के माध्यम से आप जाति निवासी और आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अलग से ID नहीं लेना पड़ेगा, आप CSE ID के माध्यम से ही जाति निवासी और आय प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। कैसे बनाना है आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं फटाफट शुरू। सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल सर्च में बिहार सर्विस प्लस टाइप करके सर्च कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम बिहार सर्विस प्लस टाइप करके सर्च कर लेते हैं। सर्च करते ही कई वेबसाइट खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, देखिए RTPS 3, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उस वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे इस प्रकार का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको देखिए यहाँ साइड में लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपको देखिए यहाँ पर सावधानियाँ देखने को मिल रहा होगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतना, उसके बाद नीचे लॉगिन के लिए आगे बढ़े का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए आपको यहाँ लॉगिन ID का देखने को मिलेगा, उसके बाद नीचे देखिए OTP या पासवर्ड, उसके बाद नीचे आपको यहाँ कैप्चा फिल करके आपको साइन इन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों CSE वैली कैसे लॉगिन करेंगे, यदि आप एक CSE वैली हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको CSE ID के माध्यम से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाना है और यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन विथ CSE कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं एक नया पेज खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपसे CSE ID और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको CSE ID और पासवर्ड फिल करके आपको साइन इन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट CSE ID और पासवर्ड उसके बाद कैप्चा फिल करके साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सभी ऑप्शन को फिल कर लिया, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आप बिहार सर्विस प्लस की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे हैं। उसके नीचे देखिए अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं वे देखिए नीचे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बिहार सर्विस प्लस में जितने भी सर्विस हैं यहाँ आपको सभी सेवाएं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके सामने लिस्ट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए उसके नीचे जाएंगे, देखिए इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट SDO लेवल, इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल, देखिए इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट DM लेवल। तो यहाँ पर दोस्तों आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं जाति निवासी और आय के साथ साथ, देखिए नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर और भी सर्विसेज देखने को मिलेगा। देखिए नीचे जाएंगे तो देखिए इश्यूएंस ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट एट SDO लेवल, तो यहाँ पर आप जाति निवासी आय और उसके साथ में आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। बड़े ही आसानी से सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
जिसका आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखिए, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, उसके बाद देखिए रिवेलिडेट पेमेंट सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर आप बारी बारी से क्लिक करके आप सभी पे अपना चेक कर सकते हैं। पहला देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितना भी सर्टिफिकेट अप्लाई किए यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है थॉट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, और दूसरा है थॉट ओटीपी या एप्लीकेशन डिटेल्स के माध्यम से। पहला ऑप्शन को टिक करेंगे, उस पहला ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फिल करना होगा। उसके नीचे देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड डेट और एप्लीकेशन डिलीवरी डेट, दोनों में से एक को सेलेक्ट करना होगा। दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है। दूसरा देखिए व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करके जितना भी आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा उसे देख सकते हैं। और तीसरा देखिए रिवेलिडेट पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होगा, उसे आप देख सकते हैं। चौथा है व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आप जितना भी एप्लीकेशन सबमिट किए उसे आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से आप जाति निवासी आय और करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यदि आप एक सीएससी वैली हैं और आप बिहार से हैं तो इस प्रकार से दोस्तों आप बिहार सर्विस प्लस की वेबसाइट पर आप लॉगिन करके सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको लाइव सर्टिफिकेट बना करके दिखाऊंगा आप सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।